कलेक्टर विकास मिश्रा सोमवार की रात बाईपास रोड के किनारे संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास पहुंचे। छात्रावासी छात्रों की समस्याएं सुनी, उनके साथ बैठकर भोजन किया और रात भर रुके। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को आरोप पत्र जारी करने और सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही। कलेक्टर रात में छात्रावास पहुंचे तो पहले किराए पर संचालित छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रॉपर टॉयलेट का ना होना, छात्रावासी बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में कमी, पढ़ाई लिखाई में पर्याप्त व्यवस्था का ना होना पाया। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावासी बच्चों को शासन की ओर से मिलने वाली राशि से बहुत कुछ कराया जा सकता है। जिस भवन में छात्रावास संचालित है वह ठीक नहीं है, नया भवन देख कर शिफ्ट कराया जाएगा। छात्रावास अधीक्षक फूल सिंह ध्रुवे को आरोप पत्र जारी करेंगे, साथ ही अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कलेक्टर विकास मिश्रा छात्रावासी बच्चों के बीच बैठकर पहले तो उनकी किताबों से पढ़ते नजर आए, बच्चों से हॉस्टल में आकर कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों की जानकारी ली, बच्चों से विषय से संबंधित सवाल किए। इसके बाद सारे बच्चों को बैठाकर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते नजर आए। विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास में लगभग 50 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र देवराज ध्रुवे ने बताया कि पहले भी अधिकारी निरीक्षण करने आते थे, लेकिन हमारी कभी व्यवस्था नहीं की थी। पहली बार कोई अधिकारी हमारे बीच आया और इस तरह की बात की, हमारी समस्याओं को करीब से देखा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की बात कही, तो उम्मीद है कि जल्दी हमारे लिए व्यवस्थाएं सुधरेंगी और हम अच्छे से मन लगाकर पढ़ लिख सकेंगे। कलेक्टर जब छात्रावास पहुंचे तो छात्रावास अधीक्षक फूल सिंह ध्रुवे शराब के नशे में थे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने समझाया कि आप बच्चों के बीच शराब पीकर ना आए, अपने बच्चों की तरह ही इनकी परवरिश करें, इनका भविष्य बनाने में मदद करें। हम लोगों के हॉस्टल में कलेक्टर सर आके रुके हैं और हमारे जो हॉस्टल में समस्याएं हैं रहने की जो सुविधा है उनको सुधार लाने की है, तो हॉस्टल चेंज करने के लिए कहा है। मेरा तो बस ये मानना है कि शायद मुझे और थोड़ा पहले जल्दी आना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो उसमें काफ़ी कमियाँ हैं, और ये जो भवन जिस किराए के भवन में रह रहे हैं उसको भी और सुधारने की आवश्यकता है। बच्चों के पास जो बैठने की और लेटने की जो सामग्री है उसमें भी कुछ कमियां हैं। आज मैंने खाना भी यहीं खाया, मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉपर फूड में भी कुछ होमवर्क और बढ़ सकता है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।